सर, आप एक बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं जी, आज का बजट के बारे में कुछ, सीतारमन का आज पहला बजट था, किस किस्म का बजट पेश किया? जी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर मिसेज सीतारमन जी का जो आज का बजट था वो प्रो पब्लिक बजट था। मेरा तो ये मानना है कि जितने भी लोअर क्लास इनकम्स वाले लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी शुरुआत लेके आया है, और उनके लिए खुशखबरी ये है कि पहले उनको जहाँ तक 5 लाख का तो रेट चल ही रहा था, 5 से 7, 7.5 तक का रेट में उनको गवर्नमेंट ने मैक्स और रेट्स प्रदान किए हैं, और प्लस उन लोगों के लिए ये बड़ा एक कांग्रेस कहने वाला बजट था कि उन लोगों को 10 से 15 लाख के इनकम स्लैब वाले लोगों के लिए जो 30% की स्लैब थी वो घट के अब 20% पे आ गई है। तो मेरे हिसाब से वो अप्रॉक्स 75,000 या 78,000 के करीब उनको एक एडिशनल रेट्स मिल रहा है। और जहाँ तक मैं ये बजट सुन रहा था इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ा बढ़ चढ़ कर बजट का इसमें प्रोविज़न किया गया है, बिल्डिंग्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड्स के लिए, ब्रिजेस के लिए, आपने सुना होगा इसमें वो जो अपना ये फास्ट ट्रेन्स ला रहे हैं, 5 कॉरिडोर्स पे ट्रेन्स के लिए इन्होंने अनाउंस किया है कि हम अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर्स के लिए ट्रेन ला रहे हैं, हम जयपुर दिल्ली कॉरिडोर्स के लिए ट्रेन ला रहे हैं, हम दिल्ली आगरा कॉरिडोर्स के लिए ट्रेन ला रहे हैं, हम दिल्ली अमृतसर जलंधर लुधियाना कॉरिडोर के लिए फास्ट ट्रेन चलाने का इसमें प्रोविज़न किया गया है। तो मेरे एज ए आम शहरी मेरे मानना है कि दिस इज़ बजट फॉर पब्लिक्स, दिस इज़ पब्लिक बजट, ये पब्लिक के लिए, इससे पब्लिक को ख़रीदारी करने में एडिशनल पैसे होंगे घर में तो वो ख़रीदारी कर सकते हैं, बाज़ारों में भी रौनक वापस आएगी। तो ओवरऑल मैं अगर इसको स्कोरिंग दूंगा तो इट्स 10, इट्स टू 10। थैंक यू। किस तरह का बजट पेश हुआ है, किस तरह से देखते हैं आप? एज ए यूनियन टेरेटरी हम लोग तो वैसे भी वेट कर रहे थे कि अभी नए बजट में जेके स्टेट्स के लिए क्या क्या, जेके यूनियन टेरेटरीज के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट्स होती हैं, तो आप देखते हैं बजट को खुल के जब भी एक कल सुबह नोटिफिकेशन से जो भी बजट का पेपर्स में आएगा हम एक बार स्टडी करके उसका फिर कुछ ही आकलन कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो पब्लिक वेट कर रही है कि इस यूनियन टेरेटरी का क्या नोटिफिकेशन आगे आते हैं, तो उसके रिगार्डिंग एज ए आम शहरी मैं एक शहरी के नाते तो ये कहना चाहता हूँ कि बजट इज़ गुड फॉर पब्लिक। थैंक यू। उनेश शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता। आज देश की जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने आज देश के सामने मोदी सरकार का 2020-2021 का पहला बजट जो है इस सरकार का रखा है, और इस बजट से जो लोगों को उम्मीदें थी, मुझे लगता है जो आम लोगों में आज एक बहुत बड़ी रुचि सरकार के प्रति दिख रही है कि इतना अच्छा और लुभावना बजट जिसमें महिलाओं का, बुज़ुर्गों का, नौजवानों का, किसानों का और देश के आम नागरिक का पूरा ख्याल रखते हुए इस सरकार ने यह बजट पेश किया है। खासकर जो आयकर की जो रिटर्न की उसके म्याद को भी इन्होंने बड़े तरीके से सेट किया है, और जम्मू कश्मीर के लिए इतना बड़ा पैकेज, लद्दाख के लिए पैकेज, और सभी टूरिज्म के लिए अलग से हर क्षेत्र को जो इस बजट के साथ जोड़ा है, मुझे लगता है ऐसा अच्छा सुंदर बजट जो है पहली बार किसी देश में जो है देखने को मिला है। और आज जम्मू कश्मीर में बधाई देता हूँ देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय जो हमारी वित्त मंत्री हैं उनको कि उन्होंने इतना अच्छा बजट दिया है जिससे आम जनता जो है वो बहुत खुश है, और आम जनता को लग रहा है सभी अपने खुशी का माहौल में है। और इस बजट जम्मू आज जो बजट आया है जम्मू कश्मीर को 30,000 करोड़ से प्लस का बजट जो बता रहे हैं बहुत अच्छा बजट है, और जो इनकम टैक्स में रियायत दी है और कुछ 5 से 7.5 के करीब कुछ किया है, सभी लोगों को बहुत राहत मिलने की पूरी उम्मीद है, बहुत खुशी का बजट है। बस धन्यवाद।